हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने पिप एंड पिप मोड पे वर्क किया था और उसमें हमने एक इशू ऑब्जर्व किया था। सो उसी के बारे में थोड़ा और जानते। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पिप एंड पिप मोड, एंड अगर मैं कोई दूसरा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ अभी, लेट्स से इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे दैट सेम वीडियो प्लेस अगेन, विच मीन्स एक न्यू वीडियो प्ले नहीं हो रहा। सो ये एक इशू था जिसे हमें फिक्स करना है इस वीडियो में। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो वो इशू इसलिए ऑकर हो रहा है जब हम किसी सॉन्ग पे क्लिक करते हैं, देन पिप एंड पिप मोड को नहीं पता कि ये डिफरेंट सॉन्ग है, उसे सेम सॉन्ग या सेम वीडियो की तरह ट्रीट करता है। एंड जब हम उस पर क्लिक करते हैं, सो वो उसी वीडियो को बिगर स्क्रीन में शो करता है। सो हमें स्पेसिफिकली उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा जिससे पिप एंड पिप को पता चले इट्स अ डिफरेंट वीडियो एंड हमें एक दूसरा वीडियो प्ले करना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। सो वो हमें ये बताएगा कि करंट सॉन्ग प्ले करना है या कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करना है। फॉर दैट हियर एंड वेयर पिप स्टेटस एंड इट विल बी एन इंटीजर। सो आप सोचोगे वाई एन इंटीजर? सो एक्चुअली इसकी मैं वैल्यू जीरो रखूंगा एंड जीरो का मतलब है कि करंट सॉन्ग चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। एंड अगर ये जीरो नहीं होगा, विच मीन्स हमें कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करना है। सो यू माइट थिंक यू कैन यूज ट्रू एंड फॉल्स इंस्टेड ऑफ दिस जीरो, बट मैं आपको आगे बताऊंगा हम इस इंटीजर का क्यों यूज़ करें इंस्टेड ऑफ अ बूलियन। सो पिप स्टेटस टू जीरो एंड जब पिप एंड पिप मोड ऑन होगा, सो इन दैट केस कोड्स, ओके दिस वन पिप एंड पिप मोड, यहाँ पे मैं पिप स्टेटस को अगेन जीरो करने वाला हूँ। सो इट्स ऑलरेडी जीरो। नाउ लेट्स मूव टू आर वीडियो अडैप्टर एंड यहाँ पे हमें कुछ कोड्स करने हैं। सो जब किसी सॉन्ग पे क्लिक होता है, ये वाला कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं, होल्डर डॉट रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो व्हेन एनी सॉन्ग इज क्लिक दिस कोड्स आर एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे हम लोग पिप एंड पिप स्टेटस के साथ कुछ चेंजेस करने वाले। सो पिप स्टेटस, सो प्लेयर एक्टिविटी डॉट पिप स्टेटस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं उसे वन कर दूंगा, एंड हियर प्लेयर एक्टिविटी डॉट पिप स्टेटस टू टू, विच मीन्स हमें पता चलेगा कि फोल्डर एक्टिविटी से इंटेंट आया है या ऑल वीडियो से इंटेंट आया है। एंड ये जो नीचे के कोड्स है आप इन्हें कॉपी कर सकते हो क्योंकि इनकी हमें एक्चुअली ज़रूरत है। सो जस्ट कॉपी दिस कोड्स एंड ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। सो अब यहाँ नीचे आते हैं, हम लोग एक फंक्शन ओवरराइड करेंगे पिप एंड पिप के लिए। सो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, एंड विच इज पिप दिस वन ऑन पिक्चर इन पिक्चर मोड चेंज्ड। सो जब कोई भी चेंजेस हो तो हमें यहाँ पे कुछ करना है। सो मैं इसे रिमूव करो इस सुपर वाले पोर्शन को एंड जस्ट बैक एंड इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे, एंड इस फंक्शन के अंदर मैं चेक करूँगा इफ पिप स्टेटस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हमें कुछ कोड्स एग्जीक्यूट कराने। सो जस्ट पेस्ट दोज कोड्स हियर एंड हियर इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट वी कैन डायरेक्टली कॉल स्टार्ट एक्टिविटी, एंड हमें इस तरह से कॉल करने की ज़रूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली पास इंटेंट, ओके, एंड दिस क्लास एंड रेफ। सो पोजिशन जस्ट रिमूव दिस लाइन एंड इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट जस्ट सिंपली पास दिस एंड नाउ यहाँ रेफरेंस हमें पास करनी है। सो मैं यहाँ पे चेक करूँगा व्हेन पिप स्टेटस एंड यहाँ पे इफ पिप स्टेटस इज वन एंड यहाँ पे हमें कुछ कोड्स लिखने। सो सिंपली इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग होगी क्लास एंड यहाँ पे जो रेफरेंस हो गए हम लोग वहाँ के रेफरेंसेस का यूज़ करने वाले। सो जस्ट मूव टू वीडियो अडैप्टर एंड फर्स्ट वन इज फोल्डर्स एक्टिविटी, सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंड सेकेंड इज ऑल वीडियोज, सो जस्ट पेस्ट इट हियर एंड हियर जस्ट रिमूव दिस लाइन एंड जस्ट कॉपी दिस कोड्स एंड जस्ट पेस्ट इट बिलो एंड इंस्टेड ऑफ वन यूज टू एंड यहाँ पे ऑल वीडियोज, ऑल वीडियोज, सो दिस विल डू आर वर्क। एंड यहाँ पे हमें वन मोर थिंग कॉल करनी है, सो फिनिश। सो पहले वाली पिप एंड पिप की एक्टिविटी फिनिश करो एंड एक न्यू इंटेंट से एक न्यू प्लेयर स्टार्ट करो। हम लोग सिंपली इतना कर रहे हैं, जब
pip status change होता है, which means it changes from 0 से अगर 1 या 2, so इसलिए मैंने यहाँ boolean use नहीं किया था, क्योंकि boolean में सिर्फ दो possibilities है, and हमें यहाँ पे 3 चाहिए, and future में और भी ज़्यादा लगने वाली है, so that's why I used a integer, so now let's run our application and check it once, so finally Gradle is built and application is installed, and let's play any video, and just click on this application button and pip mode, and now किसी और वीडियो पे क्लिक करके ऑब्जर्व करते, सो आई एम प्लेइंग मिस्टर क्लॉज एंड जस्ट क्लिक ऑन इट, सो यू विल सी कि पुराना पिप क्लोज हो चुका है एंड एक न्यू वीडियो प्ले हो रहा है, लेट्स ट्राई इट अगेन, सो पिप मोड एंड दिस टाइम दिस वन, सो ओके, सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, सो हमारा इशू फिक्स हो चुका है, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.